फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रेमन जैन। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसे ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, गोल्डमैन सैच और इंटीग्रेटेड फंड ने खरीदा है। तो ये कंपनी लोअर लेवल्स पर चल रही है और इसी के बारे में आज हम जानेंगे। और एक ये टाटा ग्रुप का बहुत बढ़िया स्टॉक है। तो आप देख सकते हैं टाटा मोटर्स DVR, इस कंपनी को लगभग 2 FIIs और इंडियन म्यूचुअल फंड कंपनी ने ख़रीदा है। लगभग काफ़ी क्वांटिटी में स्टॉक्स खरीदे हैं तो उसी के बारे में आज हम जानेंगे। 171.95 के ऊपर चल रहा है। कल इन्होंने ख़रीदा था लगभग 168 के करीब। तो इसका अगर 52-week लो देखेंगे तो 294 का है और लो 164.50 का है। तो मीन्स उन्होंने एकदम लो पर ख़रीदा है, तो आपके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है लॉन्ग टर्म के नज़रिए से इस स्टॉक में एंट्री करने का। तो इसका अगर आप चार्ट देखेंगे तो अंडर परफॉर्मर रहा है तो लगभग 1 ईयर में। लेकिन अगर आप इसका मार्केट कैप देखेंगे तो 5533 करोड़ का है, 2 रुपये का फेस वैल्यू है। और इसके अगर फाइनेंशियल्स देखेंगे तो माइनस में जा रहे हैं, लेकिन अगर ईयरली बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो कंपनी प्रॉफिट में है। इनका जो सेल्स का टर्नओवर था मार्च में बड़ा था दिसंबर से, लेकिन जो अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो -499 का है, पहले 183 का था। और अगर आप ईयरली बेसिस पे कंसोलिडेट बेसिस पे अगर देखेंगे तो इनका 2018 का जो टर्नओवर है 91279 का है, पहले 74156 का था। और इनका जो नेट प्रॉफिट है 1330 के करीब है और 961 पहले था। मीन्स ईयरली बेसिस पे कंपनी ने ग्रोथ की है, नेट प्रॉफिट बढ़ा है, खाली क्वार्टरली बेसिस पे कुछ प्रेशर आया है इस स्टॉक के अंदर और टाटा मोटर्स में। लेकिन जब अब बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, म्यूचुअल फंड कंपनीज, FIIs अगर इस स्टॉक को ख़रीद रहे हैं तो हमें भी लॉन्ग टर्म का नज़रिया बनाकर कुछ स्टॉक्स तो ज़रूर ख़रीदना चाहिए। तो 3 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें ICICI प्रूडेंशियल ने ख़रीदा था और कल और 2 कंपनी ने ख़रीदा है, उसी के बारे में मैं बताने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं 31 मई 2018 टाटा मोटर्स DVR। तो गोल्डमैन सैच इन्वेस्टमेंट मॉरिशस एल लिमिटेड, ये एक बहुत बड़ी मीन्स रिसर्च फर्म है, काफ़ी बड़ी फर्म है, तो इसी कंपनी ने ख़रीदा है। और इंटीग्रेटेड कोर स्ट्रेटजीज एशिया लिमिटेड, और एक ये कंपनी है, लगभग ये 2 कंपनी है जिन्होंने इस कंपनी के स्टॉक को बाय किया है। अभी तक लगभग 26 लाख शेयर्स गोल्डमैन शेयर्स ने बाय किए हैं और 35 लाख इंटीग्रेटेड कोर स्ट्रेटजीज। और म्यूचुअल फंड ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने 2 दिन पहले ख़रीदे हैं, उसका भी वीडियो मैंने डाला है तो आप वो भी चेक कर सकते हो। तो ये 3 कंपनी ने इस कंपनी के स्टॉक को ख़रीदा है 168.48 के करीब और ICICI प्रूडेंशियल ने 170 के करीब ख़रीदा है और अब ये स्टॉक चल रहा है 172 के करीब। तो एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है हमारे लिए भी कि हम फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी और अच्छे लोअर लेवल्स पे हम भी ये स्टॉक खरीदें लॉन्ग टर्म के लिए ताकि हमें भी प्रॉफिट हो सके। तो आज इसी के बारे में बताना था। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहें। चलिए, थैंक यू।